गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम नैन्सी। तो आज का वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। एज यू ऑलरेडी नो कि मैं एक कास्ट आयरन पैन का प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज रॉक कास्ट आयरन पैन। और यदि आप डोसा तवा या फिर किसी भी कास्ट आयरन यूटेंसिल लेने के बारे में सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। मैंने इस कास्ट आयरन पैन को 2019 में परचेस किया था, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस मैं इसे यूज में नहीं ले पाई। तो लास्ट टू मंथ से मैं इसे यूज कर रही हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आज आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। और यदि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आपने कास्ट आयरन पैन कभी भी लाइफ में यूज नहीं किया है, तो आपको सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस पैन को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में कास्ट आयरन या फिर आयरन के कुकवेयर्स यूज करना बहुत ही कॉमन हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं जैसे ये नॉनस्टिक पैन्स और एल्यूमिनियम के बहुत सारी वैरायटी ऑफ पैन्स मार्केट में आ गए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज लोगों ने उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट अब धीरे धीरे लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है कि जो हमारे टेफ्लॉन कोटेड पैन्स होते हैं, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स होते हैं, वो कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। यदि आप कास्ट आयरन के जो कुकवेयर्स हैं वो डेली यूज में ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप जो स्टील के यूटेंसिल्स हैं उन पर स्विच कर लीजिए। दे आर एटलीस्ट बेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। इससे पहले मैं काफी सारे प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज बना चुकी हूँ और सभी वीडियोज को मैंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। प्रोडक्ट रिव्यू स्पेसिफिक जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनफैक्ट सारी जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये पैन कुछ इस तरह से बबल रैप होकर एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में आया था और इसके अंदर आया था एक ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही प्रिसाइसली और काफी अच्छे से मेंशन की हुई थी। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका वेट अराउंड 2.5 केजी है और ये काफी ज्यादा हैवी है, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। जैसा कि ये कास्ट आयरन तवा बिल्कुल न्यू है, तो हम स्टार्ट करेंगे सीजनिंग से, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मेरा पुराना नॉनस्टिक पैन, जिसे मैंने काफी टाइम से यूज ही नहीं किया है और इसे मैं काफी पहले ही अपने किचन से डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। जब हमारे नॉनस्टिक पैन काफी पुराने हो जाते हैं या फिर हम उसको काफी हाई हीट पर यूज कर लेते हैं, तो उनका जो नॉनस्टिक कोटिंग है वो निकलने लगता है और जब हम इसमें कुक करते हैं तो ये नॉनस्टिक कोटिंग हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाती है और ये टेफ्लॉन कोटिंग गाइस बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नाउ लेट्स स्विच बैक टू कास्ट आयरन पैन। सबसे पहले हम इसकी सीजनिंग कैसे करना है वो देखते हैं। सीजनिंग करने के पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। नॉर्मली हम जो यूटेंसिल क्लीन करने के लिए सोप यूज करते हैं उसी का आप यूज कर सकते हैं। इसे हमेशा हमें प्लास्टिक या फिर जो फोम स्क्रबर्स होते हैं उसी से क्लीन करना चाहिए। स्टील का स्क्रबर आपको यूज नहीं करना है, बस फिर से अच्छे से वॉश कर लेना है। इस पैन को आपको पानी के नीचे नहीं छोड़ना है या फिर पानी भरकर इसके अंदर नहीं रखना है ज्यादा देर तक, नहीं तो इसमें रस्ट लग जाएगा और ये खराब हो जाएगा। अब हम इस पैन को एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेंगे। इनिशियली इसका सरफेस काफी रफ होता है जिसकी वजह से कपड़े में छेद भी हो सकता है, तो आप इसे इस तरह से डैब डैब करके पोंछिएगा। अब हम इसे अच्छे से पूरा पोंछने के बाद इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर सिलिकन का ब्रश। ऑयल अप्लाई करने के लिए आप नॉर्मल कॉटन या फिर कोई भी पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में यूज कर रही हूँ उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर ऑयल पीछे से लगाना शुरू किया था, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले ऊपर ऑयल लगाएं फिर पीछे लगाएं, जिससे उल्टा करते वक्त ऑयल नीचे चिपकेगा नहीं। ऑयल से आपको इसके पूरे सर्फेस को कवर करना है, इंक्लूडिंग हैंडल्स। अब हम इस तवे को रखते हैं गैस पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरफेस रह गया था ऑयल लगाने के लिए, तो मैंने वहां पर भी लगा दिया। अब मैं इस तवे को लो फ्लेम पर गर्म होने दूंगी और हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से अच्छे से धुआं ना निकलने लग जाए। उसके बाद मैंने इसे ऐसे ही गैस पर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे कहीं पर भी स्टोर करने के पहले यहाँ पर आप एक पेपर टॉवल या फिर कपड़े से इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हटा लीजिए। जब हम पेपर टॉवल या फिर टिश्यू पेपर इसके ऊपर यूज करते हैं तो उसके बिट्स और पीसेस इसमें स्टक हो जाते हैं, तो किसी कपड़े का यूज करना थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। शुरुआत में आप इसे काफी अच्छे से सीजन करिए और स्पेशली पहली बार
पूरे बॉडी पर इसके ऑयल लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। कहीं पर भी स्टोर करने से पहले आप इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके सरफेस पर है उसको आप अच्छे से पोंछ लीजिए, जिससे ये बहुत ज्यादा डस्ट कैच ना करे। तो बस अब ये पैन बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। मैंने इसमें काफी सारी चीजें कुक की है, सो बेस्ड ऑन दैट मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स बताऊंगी। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि डोसा या फिर किसी भी टाइप का चीला बनाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोहा बनाया जो कि काफी अच्छे से बन गया था। यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई कि जब मैंने मूंगफली को फ्राई करने के लिए ऑयल डाला तो वो ऑयल बीच की जगह साइड में जाकर एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से इसमें तड़का लगाना थोड़ा सा टफ है, बट ये ड्राई रोस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और साथ में जब आप इसे इंडक्शन पर यूज करते हैं तो ये बीच से ज्यादा हीट होता है, यूनिफॉर्मली हीट नहीं हो पाता। उसके बाद मैंने इसका यूज ब्रेड टिक्की सैंडविच बनाने के लिए यूज किया। ब्रेड पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर अप्लाई किया था। आप इसे ड्राई भी थोड़ा सा ग्रिल करेंगे या टोस्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छे से ये ग्रिल हो जाएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। उसके बाद मैंने इसमें आलू की टिक्कियां ट्राई की, तो यहाँ पर मैंने टिक्कियों को शैलो फ्राई किया था और जब भी मैं बीच में यहाँ पर ऑयल डालती थी तो वो साइड में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इसे कास्ट आयरन के डोसे तवे पर बनाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इस पैन को इंडक्शन और गैस दोनों पर यूज किया, पर मुझे लगता है कि इसके सबसे अच्छे रिजल्ट गैस स्टोव पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर डोसा बनाने का ट्राई किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्शन पर तवा यूनिफॉर्मली हीट नहीं होता है, जिसकी वजह से डोसा अच्छे से सिक नहीं पाता है। मैं यहाँ पर फिलिप्स का इंडक्शन यूज कर रही हूँ। डोसा आप 120 डिग्री सेल्सियस पे कुक करेंगे तो बेटर होगा, मैक्स आप 140 कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमें टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना चाहिए। और इंडक्शन पे बना रहे हैं तो थोड़ा छोटा साइज का डोसा बनाइए। एज यू कैन सी कि डोसा बीच से पक गया लेकिन अगल बगल से कच्चा था, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस पर डोसा बनाया था, इसीलिए बहुत ज्यादा ही क्रिस्पी हो गया था। तो मैंने यहाँ पर स्विच कर लिया है गैस स्टोव पर। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए आप सबसे पहले तवे को ठंडा कर लीजिए। उसके लिए हम सबसे पहले तवे पर अच्छी क्वांटिटी में पानी को छिड़क देंगे, उसके बाद अच्छे से पानी को स्प्रेड कर देंगे ब्रश की हेल्प से। फिर मैंने तवे को एक कपड़े से यहाँ पर पोंछ लिया जिससे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। डोसा बनाते वक्त इसमें ऑयल आपको काफी अच्छे से लगाना है और उसको पूरे सरफेस पे अच्छे से स्प्रेड करना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका तवा काफी ज्यादा गर्म हो रहा है तो आप पानी स्प्रिंकल करके उसको बीच बीच में ठंडा करते रहिए। नॉनस्टिक पैन पर आप बिना ऑयल के भी बिल्कुल डोसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कास्ट आयरन के तवे पर पॉसिबल नहीं होता है। यदि आप तवे को अच्छे से ऑयल नहीं करेंगे तो डोसा सरफेस पर चिपका रह जाएगा, अपने आप अलग नहीं होगा। सो मेक श्योर कि हर एक डोसा बनाने के पहले आपको पैन को अच्छे से ऑयल कर लेना है, यदि वो एकदम ड्राई हो गया है। और ड्राई नहीं भी हुआ है तो एक पतली लेयर ऑयल की आपको जरूर लगानी है। और यदि आपका डोसा तवा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो उसको पानी स्प्रिंकल करके जरूर ठंडा करें। और एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, डोसा बनाने के लिए गैस का फ्लेम आपको लो या फिर मीडियम ही रखना चाहिए। ये डोसा बनाने के लिए आप स्टील का ही स्पैचुला यूज करें। स्टील के स्पैचुला से डोसे को पलटना काफी आसान होता है कंपेयर टू वुडन स्पैचुला। और जो कास्ट आयरन पर जो डोसा बनता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बिल्कुल जैसा मार्केट का फ्लेवर और जो टेक्सचर आता है ना डोसे का, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आता है इसका। और यदि आप एक बार इस पर डोसा बनाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा दोबारा नॉनस्टिक पर स्विच करने का। एज यू कैन सी कि ये डोसा बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैंने इस पर उत्तपम भी ट्राई किया, दैट ऑल्सो केम एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए अब हम इसके क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यदि आपके तवे पर कुछ भी स्टिक नहीं हुआ है तो आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके कपड़े से अच्छे से पोंछ कर और थोड़ा सा ऑयल उसके पूरे सरफेस पर लगा कर आप ऐसे ही कबर्ड में रख सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा ग्रीसी हो गया है तो आप इसे गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। और यदि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ जल जाता है, चिपक जाता है सरफेस पर, तो जब तवा गर्म होता है तब उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, जिससे जो भी जला हुआ है, चिपका हुआ है, वो सॉफ्ट हो जाए। यदि आपको लग रहा है कि और ज्यादा इस तवे को क्लीनिंग की जरूरत है तो आप डिश वॉशिंग सोप या फिर सॉल्ट का यूज करके इसे स्क्रब कर सकते हैं एकदम हल्के हाथों से। मेक श्योर कि आप फोम या फिर प्लास्टिक का ही स्क्रबर यूज करें, स्टील का स्क्रबर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने यहाँ पर सोप का यूज किया है।
बट इसे ड्राई करने के बाद मैं दोबारा पूरा इस तवे को सीजन करूंगी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। बट जब मैंने इसे इस बार सीजन किया तो फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज की थी मैंने, बट आई मेड श्योर जहां पर भी मैंने सोप या फिर सॉल्ट का यूज किया है वॉश करते वक्त वहां पर मैं बहुत ही अच्छे से ऑयल को अप्लाई करूँ। लेकिन यदि आप बिल्कुल भी सीजनिंग वगैरह दोबारा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके या फिर गर्म पानी से वॉश कर लीजिए, कपड़े से पोंछ करके ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लगाकर पूरे सरफेस पे अच्छे से स्टोर कर लीजिए। यदि हम इस पैन की बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो लाइफ टाइम आपको दोबारा कोई भी पैन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलाइक टेफ्लॉन के बने कुकवेयर्स की तरह जिन्हें हमें हर 2 से 3 साल में बदलना पड़ता है। अब यदि हम इस रॉक कास्ट आयरन पैन की बात करें पर्टिकुलरली, इट इज अ गुड परचेस एंड कंसीडरिंग द प्राइस रेंज काफी अच्छा है। लेकिन यदि हम इसे कंपेयर करते हैं जो अदर हाई रेंज प्रोडक्ट है, हाई एंड ब्रांड्स हैं जैसे कि लॉज, मेयर, उनकी फिनिशिंग कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। मैंने उनको भी परचेज नहीं किया है बट जितने रिव्यूज मैंने पढ़े हैं, मैंने पिक्चर्स देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फिनिशिंग काफी बेटर होगी। आई नो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड लाइक 3,000-4,000 फॉर हाई एंड ब्रांड्स, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड आई वुड इवन से कि यदि आप लोकल मार्केट में जरूर सर्च करिए, स्पेशली इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पर देखा है कि कास्ट आयरन पैन बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाते हैं शॉप्स पर, तो आप एटलीस्ट एक कास्ट आयरन पैन अपनी लाइफ में जरूर इंट्रोड्यूस करिए, उसको यूज करके देखिए एंड देन स्लोली स्लोली गो फॉर मोर पैंस। एक साथ सारे पैंस को मत बदल दीजिए बिकॉज इसको मेंटेन करना उतना आसान नहीं होता है डेली लाइफ में। तो यदि आप बैचलर हैं और आपको एक ही पैन खरीदना है तो आप इस तरह का फ्राइंग पैन खरीद सकते हैं और इसमें मल्टीपल चीजें कुक कर सकते हैं। साथ में इंडिया में जो भी अभी अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ये सच में आपको बहुत हेल्पफुल लगा है देन डू गिव थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको फ्यूचर में सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।